दोस्तों यहाँ फिल्म आदि पुरुष में वो कौन सी बातें रही है जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जी दोस्तों इस फिल्म में काफी सारी बेड थिंग्स जो कि ढूंढे जा रहे, लेकिन फिल्म में क्या चीज रही है गुड। तो जैसे कि आप पहले फिल्म की कुछ उन बातों को गौर किया जाए जो कि सभी को काफी ज्यादा बुरी लग रही है। तो जैसे कि उनमें सबसे पहले तो है फिल्म में प्रभास का लुक। जी दोस्तों यहाँ श्री राम बने हुए प्रभास का लुक जो कि सभी को पसंद आता हुआ नहीं दिख रहा है, खासकर यहाँ प्रभास की मूछे। और इसमें मेकर्स जो कि भगवान श्री राम के लुक के साथ ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो शायद ये काफी ज्यादा बेहतर होता। उसके साथ यहाँ पर रावण का लुक भी पूरी तरीके से मात खा रहा है। जैसे यहाँ फिल्म में रावण को लगभग पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर की तरह ही बताया गया है। और इसमें जाए एक तरफ सभी इस फिल्म में सोने की लंका ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे कि यहाँ पर तो हमें हर तरफ अंधेरा और पूरी तरीके से डार्क यूनिवर्स दिखा। और अब बात की जाए फिल्म के वीएफएक्स और डायलॉग की, तो जैसे कि ये तो कुछ ज्यादा ही निराश कर जाते। जैसे यहाँ फिल्म में जितना वीएफएक्स यूज किया गया शायद उतने ज्यादा वीएफएक्स की जरूरत नहीं थी और फिल्म में कुछ और रियलिटी भी डाली जा सकती थी। और फिल्म के डायलॉग्स तो कई बार हमें काफी ज्यादा अटपटे लगती है। लेकिन अब बात की जाए फिल्म के कुछ शानदार चीज़ों की, तो जैसे कि यहाँ उनमें से एक रहा है कीर्ति सेनन का किरदार। जैसे यहाँ भले ही यहाँ पर सभी को प्रभास का लुक राम जी के रूप में और रावण बने हुए सेब जो कि उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन यहाँ कीर्ति का किरदार जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है जो कि हमें सोशल मीडिया पर देखने को भी मिल रहा है। और इसमें भले ही कीर्ति की हाइट जो कि है सीता माँ के किरदार के लिए उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जैसे कि उसके बावजूद ये सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर फिल्म आदि पुरुष जिसके कि कुछ डायलॉग्स काफ़ी ज़्यादा खास रहे, और जैसे कि यहाँ पर प्रभास का बाहुबली अंदाज में अपनी सेना को प्रोत्साहन देना, ये भी इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा खास दिखा है। और साथ ही यहाँ फिल्म में दिखने वाले कुछ ज़बरदस्त और बड़े वीएफएक्स मोमेंट जो कि सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे। हालांकि उस टाइम फिल्म आदि पुरुष पर आपका कैसा रिएक्शन बना है हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।